नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे शुगर पम डोसा। ये रेसिपी उड़ीसा के हर घर में बनता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पका हुआ शुगर पम लिया है। ये मैंने 250 ग्राम चावल को भिगो के रखा है। यहाँ पे मैंने देसी घी ली है और ये लिया है मैंने नमक। तो चलिए पहले इसका छिलका निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पका हुआ है। इसका छिलका निकालना बहुत ही आसान है। ऐसे ऐसे करके मैंने यहाँ पे पूरा छिलका निकाल लिया है इसका। इस फल के अंदर 2 से 3 बीज रहते हैं, इसके अंदर 3 बीज हैं। तो चलिए पहले इसका जूस निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में पानी लिया है और एक एक करके इसको ऐसे पानी में रब करना है, फिर इसका जूस निकलते ही जाएगा। ऐसे में मैं एक एक करके मैंने तीनों बीज का जूस निकाल लिया है यहाँ पर। ये देखिए कितना अच्छा है, कितना कलरफुल है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। इसको 10 से 15 मिनट तक हम लो फ्लेम में उबालेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना थिक हो गया है। अब इसको गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको चावल के साथ मिला के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर पेस्ट बना है। अब ये पूरा डोसा के लिए रेडी है। तो चलिए इसमें हम नमक मिलाएंगे। मैंने एक कंटेनर में इसको निकाल लिया है और स्वाद अनुसार नमक दे दिया है और नमक को इसके साथ मिला लूँगी। यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया था और जैसे डोसा बनाते हैं वैसे मैंने देसी घी को थोड़ा थोड़ा डाल के ये डोसा बना लिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे ऐसे करके मैंने 3 बना लिए थे और इसको गर्म दूध के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।